नमस्कार, tlc.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप बच्चों की पसंद के स्विस रोल बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसे बेक करना या कुक करने की जरूरत नहीं होती है। इसे हम बिस्किट से बनाएंगे और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं कि बिस्किट से स्विस रोल कैसे बनाते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए हमने 10 ओरियो बिस्किट लिए हैं और ये 10 हमने मारी बिस्किट ले लिए। मारी बिस्किट की जगह आप पार्ले जी या फिर कोई भी नॉर्मल बिस्किट ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप पाउडर कोकोनट, 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 3 बड़े चम्मच बटर, ये हमने अनसाल्टेड बटर लिया है, 4 बड़े चम्मच पाउडर शुगर, 1/2 कप दूध और 2 छोटी इलायची का पाउडर। सबसे पहले हम ये बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे इसको पीस करके इसका पाउडर बनाना है। सारे बिस्किट को तोड़ के छोटे टुकड़ों में करके और इसे हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये सारे बिस्किट को हम पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं। बिस्किट का पाउडर बन गया है, इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर इसमें कोई बिस्किट का बड़ा टुकड़ा रह गया तो उसे हाथ से निकाल दें या फिर इसे छान सकते हैं। इस तरह से कुछ टुकड़े रह जाते हैं, उसे निकाल देना है। अब बिस्किट के इस पाउडर में हम 2 बड़े चम्मच बटर मिलाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसे अच्छे से एकदम आटे की तरह हमें गूंदना है। थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे, एकदम से पूरा दूध नहीं मिलाएंगे। हाथ से गूंद लेते हैं। थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे, 1 चम्मच। हमने बिस्किट को एकदम आटे की तरह गूंद के तैयार कर लिया है। इसके लिए हमने जितना दूध लिया था उससे 1/2 दूध ही हमने इसमें यूज किया है। करीब 2 टेबल स्पून दूध इसमें यूज हुआ है। अब हम स्विस रोल की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम किसी बड़े बाउल में एक कोकोनट का पाउडर डाल देंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। इसमें हम ये कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग तैयार हो गई है। रोल बनाने के लिए हमने एक बटर पेपर ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और अच्छे से फैला देंगे सब तरफ। बिस्किट को जो हमने आटे की तरह नीट करके रखा था इसे हम इसके ऊपर रख के रोल करेंगे। थोड़ा सा पहले हाथ से फैला लेते हैं, फिर इसे हम बेलन से बेलेंगे। इसे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। करीब 1/2 सेंटीमीटर पतला बेल लिया है और इसे हमने एकदम रेक्टेंगुलर शेप में बना लिया है। हमने इसको एकदम रेक्टेंगुलर शेप में बेला है। अब इसके ऊपर हम फिलिंग लगाएंगे। जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसको हम इस पे डाल देते हैं। ये फिलिंग को सब तरफ हम एक बराबर फैला देंगे।
ये फिलिंग हमने इसके ऊपर लगा ली है, अब इसे हम रोल करते हैं। इस तरह से हम धीरे से बटर पेपर को उठा के इसको रोल करेंगे। बहुत हल्के हाथों से इसे रोल करना है। रोल तैयार हो गया है, अब इसे हम इसी बटर पेपर में अच्छे से रोल कर देंगे पूरा। इसको इस तरह से साइड से भी बंद कर देंगे, दोनों साइड से बंद कर देंगे इसे। रोल बन गया, इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 2 से 3 घंटे तक हम इसे सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसके रोल काटेंगे। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। ये जो हमने रोल बना के 2 घंटे पहले रखा था, ये सेट हो गया है। इसे हम काट के इसके पीसेस कर लेते हैं। एकदम हार्ड हो गया है, अब इसे हम काट के इसके करीब आधा आधा इंच के हम इसके पीस कर लेंगे। हमारे सारे स्विस रोल बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इसे आप घर पे बनाइए, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन में या फिर शाम को स्नैक्स के लिए दे सकती हैं। इसे आप बनाइए और सर्व करिए, और जो बच जाए उसे एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे खुले में रखेंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। इसलिए इसे बचे हुए जो हों उसे एयर टाइट डब्बे में रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।